करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास के गणित विषय के इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर। प्रश्न पहला है, परीक्षा में आपको पूछा जाएगा सही विकल्प लिखिए। तो विकल्प का अर्थ होता है इसमें आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक का आंसर सही होगा, वो सही आपको टिक करना है और लिखना है। तो पहला है, इसमें एक पद वाले बहुपद को कहा जाता है। बहुपद का अर्थ होता है बहुत सारे पद, बट एक ही पद हो तो ये कहलाएगा एक पद, इसका सही उत्तर होगा। दूसरा है, समकोण का माप होता है, समकोण होता है 90 अंश का। एक सिक्के को छालने पर हेड आने की प्रायिकता होगी 1/2। बिंदु 7 -6 की कोटि का मान है, तो इसमें भुज जो होता है सात है, भुज भुज को कहते हैं एक्स, कोटि होती है वाई, ठीक है। तो कोटि का मान है 6। शून्य का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? आर्यभट्ट ने। त्रिभुज के तीन अंतर कोणों का योग होता है, त्रिभुज बना लेते हैं और तीन जो योग है इसका 60, 60 और 60 को जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा 180 अंश होगा। तो त्रिभुज के तीन अंतर कोणों का योग होता है 180 अंश। बिंदु 4/4 किस चतुर्थांश में स्थित है? ये होगा तृतीय चतुर्थांश में। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 9 हीरोइन का जन्म स्थान कौन सा है? सो सही उत्तर है मिश्र। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान होता है धन संख्या? सही उत्तर आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का। किसी घटना के घटित होने की संभावना के परिणाम को प्रायिकता कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात कहते हैं। संख्या करनी तो दशमलव प्रसार है, आसान तना बढ़ती, प्रत्येक परिमेय संख्या है, एक वास्तविक संख्या। बहुपद 1+3y है रेखीय। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं सर्वांशम। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश के कोण को कहते हैं समकोण। शंकु का आयतन है 1/3 πr²h। r त्रिज्या होती है, h होती है ऊंचाई।